इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएमएचओ विकास मारवाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। खबर पाली से है, जहां चिकित्सा विभाग की टीम ने कैफे में दबिश दी है। तीन कैफे पर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली है। कैफे में जूस पीने से एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी थी। सीएमएचओ विकास मारवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर सामने आते हुए इस वक्त की, तीन कैफे पर मिली एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री। कैफे में जूस पीने से एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद सीएमएचओ विकास मारवाल के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चिकित्सा विभाग की टीम ने कैफे में दबिश दी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए पाली से, जहां पर एक कैफे में चिकित्सा विभाग ने दबिश दी है। दरअसल एक व्यक्ति की जूस पीने से तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया था। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हस्तपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हस्तपाल, एक कैफे पर चिकित्सा विभाग ने दबिश दी है, जहां पर एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है जूस पीने के बाद में, जहां पर ऐसी कुछ खाद्य सामग्री भी मिली है। क्या है पूरा मामला, कब की यह घटना है? इसके साथ ही क्या पहले भी ऐसे कोई घटनाक्रम उस कैफे की तरफ से सामने आए हैं? आकांत, मैं बताना चाहूंगा कि एक इसी कैफे पर अभी किसी व्यक्ति की जूस पीने से तबीयत बिगड़ी, उसने सीएमएचओ ने शिकायत की, उसके बाद सीएमएचओ की टीम ने कैफे में कार्रवाई की। जी जी हस्तपाल, वही एक्सपायरी डेट का सामान मिलना वाकई में बड़ी बात है, तो क्या इससे पहले भी कैफे की तरफ से कोई ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है? नहीं, ये देखा जाए तो ये सीएमएचओ की ओर से फर्स्ट कार्रवाई कैफे पर की गई, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी डेट की पहले काफी समय से शिकायत आ चुकी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद ये कार्रवाई को अमल में लाया गया। धन्यवाद हस्तपाल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि चिकित्सा विभाग की टीम ने एक कैफे पर दबिश दी है, जहां पर युवक की तबियत बिगड़ी। युवक की तबियत बिगड़ने पर उसने शिकायत दर्ज कराई, और उसकी शिकायत पर सीएमएचओ के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।